देखो भाई, इसने तो पूरा पूरा खा लिया है ना, पूरा खा लिया इसने। मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल मानस हैंडल व्लॉग्स। अभी हो रहा है 11:45। और यार सीन कुछ ऐसा है ना, सीन तो कुछ बन ही नहीं रहा भाई, कुछ भी नहीं बन रहा। कल भी डॉग ने डाला डाल पाए, क्योंकि भाई पढ़ाई से कोई भाई टाइम नहीं मिल रहा इतना सारी भाई। अब भाई बताए कैसे, क्यों टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले 4 तारीख से लेके भाई 25 से 30 तारीख तक। भाई जो अगला महीना वाला आने वाला है ना सेप्टेम्बर, उसमें भाई मैं स्टार्टिंग 1-2 दिन फ्री हूँ, उसके बाद भाई इतना बिजी भाई कुछ नहीं कह सकते। उसमें मेरे ख्याल से ब्लॉग भी थोड़े से रोक के आए, तो थोड़ा सा भाई वो कर देना है ना, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सपोर्ट कर देना। वो यहाँ पर पापा लोग और मम्मी बैठी आराम से देख रहे हैं टीवी। टीवी में क्या न्यूज़, किसी के घर में गिरा रहे इतने बम हैं। अभी तो अंदर बैठे हुए थे पापा लोग के साथ, थोड़ी बातचीत कर रहे थे प्राइवेट वाली, लेकिन वहीं से एक बातचीत चली। बातचीत से ज़्यादा बात याद आई कि यार भागवत स्टार्ट होने वाली है हमारे यहाँ आज से, कल आज से स्टार्ट हो जाएगी। और आज कलश यात्रा है यार, मतलब सारी जो मोहल्ले की आंटियाँ वगैरह हैं वो कलश लेकर जाएंगी। मेरी मम्मी अब तो जानी नहीं इस बार। इस बार क्यों नहीं जा रही, क्योंकि दादी की डेथ हुई थी, इस वजह से अभी नहीं जाते ना हम लोग। तो और सारी आंटियाँ तो गई हैं, ताई भी गई हैं, तो चलो चलते हैं। ये भाई बंधु जा रहे हैं, भाई बंधु मेरे भाई बंधु। आज ये देखो आज नहाया हुआ है, बड़ा क्यूट लग रहा है नहाया हुआ है। ये भी ले जाएगा क्या? देखो मंत्री पास आ गए एंड डेकोरेशन देख रहे हो भाई, कितनी प्यारी हो रही है, रोड पूरी सजाई हुई है पूरी। चलो जरूर चलते हैं आज मंदिर की तरफ। कोई भाई देखो मंदिर के अंदर है, डेकोरेशन देखो कितनी प्यारी हो रही है। और कोई है नहीं भाई, कोई है नहीं, बस एक भैया आंटी हैं पता नहीं ताली बजा रही हैं, और एक भैया बैठे हैं वो साइड में। भाई देखो हमें पता चल गया कलश यात्रा के बारे में, लोग यहाँ फूल ही पड़े हैं, समझ इधर से ही गई है, फिर कहीं इधर से ही गए हैं सारे लोग। तो आ गए हम लोग घर को, लेकिन अभी जाएंगे फिर से जब कलश यात्रा मतलब आसपास होगी ना कहीं पर। अभी मुझे पता नहीं चल रहा है कहाँ पर, लेकिन एक भैया से मैंने फ़ोन करके पता करा, अभी वो कह रहे हैं जब चलेंगे मैं बुला लूँगा तुम्हें। गाइस घर पहुँच चुके हैं हम लोग, और यहाँ मम्मा भिंडी काट रही हैं। अरे 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 इतनी स्पीड। भाई फाइनली भाई साहब आ चुके हैं हमें लेने। चलिए चलिए, नहीं हाँ है कहाँ पर सब लोग, डील सेट इधर बड़ी लंबी यात्रा पर नहीं चलेगा सब। एंड गाइस देखो अपने सारे दोस्त मिल चुके हैं यहाँ पर, और सभी लोग आंटियाँ लोग। अरे कॉम्बिनेशन बड़ा प्यार लगता है यार येलो वाला। देखो ये भाई साहब सब घूम रहे, सब तुम कहाँ घूम रहे तुम बताओ। चलते मस्त ये लगा मुझे पंडित जी की घड़ा जगह, देखो गेंद घेर रही है लड़कियों ने, वो भी चारों तरफ से। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। सारी चीज़ों का इंतजाम, मेरे को पानी वगैरह और बिस्किट वगैरह सब रखे हुए हैं यहाँ पर ही। तो यहाँ पर भंडारे के इंतजाम है यार, ये देखो ये मतलब सेवा कर यस भाई, मतलब बिना बताए बिना बता, नहीं दे तो देख तो कार्यक्रम हो गया, ऐसे करोगे भावी अध्यक्ष कैसे चलेगा। भावी अध्यक्ष सुबह से सेवा कर रहे हैं, भावी अध्यक्ष आपको बता दें कि हम सुबह 8 बजे से मंदिर में हैं। मतलब यार चलो हम दोस्त हैं तुम्हारे यार, तुम बता देना चाहिए था, हम भी खा रहे हैं, हम भी ले लेते थोड़ा 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 ना फ्रीटो लगाते हैं, मीन्स बना का फायदा नहीं है भाई, लेकिन गलत करा यार। और ये देखो ये स्कूटी से घूमने में व्यस्त था, बस सुबह से लगे हुए हैं, सुबह से लगा हुए से। और ये भाई इसने असली मेहनत उसने करी है यार, ये इसने तो डांस करा है ना भाई, कोई नहीं नाचा भाई, कुछ काम नहीं करा हमसे बोल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, सबने काम करा मुझे छोड़ के। तुमने भी काम करा यार, तुमने ब्लॉग बनाने में काम करा है, मेन काम है यार, मेन काम है भाई यस भाई, लेकिन तुमने गलत करा यार, तुमने गलत करा यार, अधूरी है यस भाई। देखो अब लगते हैं लाइन में, प्लेट तो ले, प्लेट तो ले ले, दो ले ले भाई, बिल्कुल। लोग आ चुके हैं एंड भाई वहां सबकी हेल्प भी करा दी थी, और मैं खा पी भी लिया था।
कोचिंग से आ चुके हैं अभी, तो कोचिंग चला गए थे वहाँ से आने के बाद। और पापा ने नया काम कर लिया है, पता है क्या पापा ने अपने क्या कान में क्या डाल दी, स्लाइम। दिखाओ ये दिखाओ आप, ये दिखाओ स्लाइम है ये। अभी उसने मेरी आँख में मारा बॉल बनाकर, ये चली गई पापा के। अरे मम्मा पैर का पैर छुआ रही हो आप तो। देखो ये जो है ये स्लाइम चली गई पापा के, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं गई, थोड़ी सी चली गई। कहाँ गई? अरे थोड़ी निकल गई थी, मेरे सामने निकाली मैंने अपनी उंगली से। देखो अभी अंदर को आया मैं, देखिए और ये देखो इनका यहाँ डांस चल रहा था, पता नहीं कौन से राजस्थानी गाने हैं। वाह गाना तो मेरा, डांस तो मेरा भाई एक नंबर करता है ये। मजा आ गया, मजा आ गया। कोचिंग चलते हैं, और मम्मा गाय वाई को सानी दे रही होगी ना, तो थोड़ा वहीं पर जाकर मजे करते हैं। देखो अब चला गया अंदर, अब कैसे आएगा तू? साइकिल लगी ना पापा की, साइकिल खराब कर दी इसने, और कुछ थोड़ी ना। और ये देखो ये लाइट ही लग पा रही है यहाँ पर। यार परेशान हो गया हूँ मैं यार बार बार, कितनी बार मैंने ब्लॉग में बोल दिया और कि साइकिल लाइट सही करवा दो, सही करवा दो, किसी करवाई नहीं अभी तक भाई। है ये देखो ये बैठो पक्का, चलो भाई ने भी साइकिल सीख ली। टाइम बदलता है बहुत जल्दी, टाइम बदलता है। मैंने चीज़ सोच लिए क्योंकि यार मैं पहले कितना सारा शौक था साइकिलों का, बहुत सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन अब उस चीज़ों का शौक कम हो गया अब। मतलब थोड़ा जब मैच्योर हो जाते हैं ना, तो फिर फ्यूचर पर ध्यान देने का मन करता है। तो अभी वही दे रहे हैं बस साइकिल में बैठे बैठे इनका ही। चलो चलते हैं अंदर को, और आज गाय को सानी मैं दूंगा। मम्मा आज गाय को सानी मैं दूंगा, आज आपकी छुट्टी, आज मम्मा मैं सानी दूंगा आपकी जगह गाय को। वाह आज सानी नहीं देनी है क्यों? है मम्मा सानी क्यों नहीं देनी? एंड गाइस देखो आज ये धोना से ना, वहाँ ताई ने घास काटी थी इतनी सारी, और सारी आज इतनी सारी घास यहीं पर ही है। देखो इतने सारे गुच्छे यहाँ पर बंधे हुए हैं, इतने सारे गुच्छे यहाँ पर बंधे हुए हैं, और आदि वो खा चुकी है हमारी गाय, प्यारी प्यारी गाय ने। एंड यार देखो एक गाय और भी आ गई बाहर, पता नहीं किसकी गाय है मम्मा। यार कोई ऐसा छोड़ा मत करो यार, गाय है वो भी भूख लगती होगी। इसको थोड़ी सी घास दे दूँ? हाँ ये अलग खाना दे देते हैं इसको यार। गाय देखो गाय अलग ये पता है, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग गाय से डरते हैं। डरते क्या है मतलब कि उनके पास निकल जाए तो भाई बोलेंगे रो जाएंगे भाई, डर जाएंगे, गिर जाएंगे। आज तो गिर जाते हैं भाई रोड पे, गिर जाते हैं कि भाई डर लग गया हमें, मार देगी मार देगी। और लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत फ्रेंडली नेचर की होती है गाय भी और डॉगी भी, क्योंकि भाई उनको छेड़ोगे तो भाई ऑफकोर्स ही बात है हर कोई, अगर हम तुम अगर कोई मुझे छेड़ेगा तो मैं उसको छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ूंगा ना। आज यानी जैसे कि मैं आपको थोड़ी छेड़ूंगा, मानो कि मैंने दिव्यान भी छोड़ दिया, ठीक है दिव्यान में छोड़ेगा बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, कि भाई है मेरा नहीं छोड़ेगा वो पक्का, एक दो थप्पड़ तो मेरे जड़ेगा ही जड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए अगर हम इसको छेड़ेंगे तो भाई ये भी हमारे साथ मतलब थोड़ा बहुत तो करेगी ना, मारपीट हल्की फुल्की हल्की फुल्की, क्या भाई इनका तो वैसे ही बहुत स्ट्रांग होती है, तो सीधे मारती है तो इंसान खत्म, बाय टाटा बाय बाय। देखो ये हमारे घर में भी गाय है, ये तो अभी मस्त यहाँ पर ये घास खा रही है। एंड पता है अभी हमें इसको कभी बेचने का मन करता ही नहीं है भाई, जैसे मन करता है कि ज़िंदगी भर जब तक हम है ना तब तक हमारे साथ ही रहे, पता है क्यों? क्योंकि यार ये हमारी दादी ने खरीदी है, और उन्होंने मतलब बहुत मेहनत करके, पता है आज से 10 साल पहले, मतलब 16 साल पहले उन्होंने गाय खरीदी थी जब मैं पैदा हुआ था। पता क्यों? क्योंकि मेरे दूध वगैरह के लिए मतलब मैं दूध पीता था ना गाय का, तो इसलिए उन्होंने गाय पाली, और जब दादी को सब कुछ आता ना, मेरी गाय वाय दूध दूध सब दुआ लेती थी वो। एंड भाई आज वो नहीं रहती है ना साथ में, तो मतलब गाय वाय साथ में रहती है तो ऐसा लगता है कि भाई उनकी कभी कभी का इमेजिनेशन आ जाता है भाई दिमाग में, पता है बहुत बार कहीं मैं जैसे कि इधर आता हूँ साइड इधर से निकला, तो बहुत बहुत ऐसा लगता है कि शाम के 5 बजे की वो दूध दुआ रही है, मैं शाम के 5 बजे उनका करेक्ट टाइम था यहाँ पर आकर दूध दुआने का, और कहीं बहुत भाई बहुत बार लगता है। एंड देखो भाई इसने तो पूरा पूरा खा लिया है ना, पूरा खा लिया इसने, घास भी खा ली भाई, भूखी है देख रहे हो भाई, प्लीज़ खिला दिया करो यार, मेरी बात मांगी प्लीज़। कोई भी गाय है ना, कोई इंसान भाई इंसान तो छोड़ो, कोई गाय कोई कुछ भी आए ना भाई, उसको कुछ ना कुछ खाने को दे दिया करो अगर भूखा है तो, भाई बहुत दुआ देकर जाता है, बहुत ज़्यादा दुआ। आज मम्मा ने सानी तो बनाने दी नहीं, मम्मा आपने हमें, हाँ यही बात है मम्मा, पता क्या कह रही, मम्मा कह रही आज घास ही बहुत है, घास ही खा लेगी। और मम्मा इसको पोटी लग गई तो घास से, खाने पीने का दे दिया गाय को, और ये वाली गाय ने भी खा लिया, और थोड़ी सी घास हमने बाहर रख दी, इसको अंदर इसलिए नहीं रख रहे हैं भाई, देखो अपनी नहीं है, अगर अपनी होती रख भी देते भाई, अगर कोई आ गया रात के टाइम पे कि यार हमारी है तुमने चोरी कर ली भाई, तो फिर वो चोरी क्या कर ली, मतलब चोरी जैसे ही वो इल्ज़ाम लग जाता है ना फिर, एक
तो फिर इसको हम अंदर नहीं रखते, हम इसको भारी घास दे रही, आराम से कोई आएगा तो ले जाएगा इसको, जिसकी भी गाय होगी है ना। क्यों देखो कितने करीब है, देखो ये भी तक नहीं डरता मेरा भाई, और कोई भी मत डरा करो, और खासकर लड़कियाँ, मेरी बहन बिल्कुल नहीं डरती भाई, तो आप लोग ही मत डरा करो। ताला लगा दिया और इस गाय को थोड़ा सा उधर को खड़ देते हैं, वरना फिर अंकल लोग अंकल आंटी लोग सोते हैं ना अंदर, तो कहीं दिक्कत ना हो उनको, क्योंकि आवाज़ आवाज़ करेगी ना, भैं भैं करेगी ये। चलो उधर को जा, हो जा ना, मार मत ना, हो जा, चल 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 उधर हो जा, अब खा पी दे लिया तूने, हो जा अब, हो जा ना, उधर ना प्लीज़ ना। मीना हो गया था एंड, चलो इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं। सो आई होप ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।